दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर राज सिंह 111। गाइज एम आई ट्वेल्व की डेली न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज कुछ बढ़िया अपडेट निकल के आ रही हैं। वो क्या अपडेट है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट जरूर करिए। गाइज, वीडियो 100% जेन्युइन है, कोई फेक वीडियो नहीं है, और सभी न्यूज़ से वाकिफ रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं वो न्यूज़ क्या है, टाइम ना वेस्ट करते हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे गाइज आप देख सकते हो, अपडेट नंबर 109 October 30 1:07 PM पे पता चला है कि MI 12 जो ग्लोबल अपडेट वेरिएंट में आ रहा है वो रेडमी नोट 7 के लिए, वो रेडी है गाइज OTA के थ्रू, जिसका वर्जन होगा 12.0.1.0 QCO MIXM। लेकिन अभी कोई ऐसी डिटेल नहीं आई है कि कब रोल आउट होना स्टार्ट होगा, किस डेट पे। फिर गाइज हमें 4:50 PM पे पता चलता है कि शाओमी ने जो नया अपडेट रोल आउट किया है MIUI सिस्टम के लिए, लॉन्चर है जो, उसमें कुछ बग्स फिक्स किए और इम्प्रूव किया गया है फीचर्स को, और MIUI के डिवाइसेस को इन्हांस किया गया है। फिर 4:52 PM गाइज हमें पता चलता है कि जो हमने बताया था कि MI 12 का जो ग्लोबल वेरिएंट रेडमी नोट 7 के लिए जो रेडी है अपडेट के लिए, वो जल्द ही रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी वो अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आपको रेडमी नोट 7 में ग्लोबल अपडेट देखने को मिलेगी, इंडिया के लिए नहीं, इंडिया के लिए आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। Mi 10 Pro, Mi 10 Lite Zoom, Mi 9 Pro 5G चाइना, ग्लोबल, इंडिया, यूरोप, इंडोनेशिया, एशिया के लिए रिलीज कर दिया गया। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको अपडेट मिल चुका होगा Mi 10 Pro के लिए। फिर गाइस रेडमी K20 Pro के लिए गाइस चाइना और इंडिया में रिलीज कर दिया गया है, और रेडमी K20 Pro के लिए नया अपडेट आने की बात चल रही है। रेडमी K30 5G, रेडमी K30 Pro, K30 Pro Zoom, K30 4G, Mi 9 Transparent और एक्सप्लोरर एडिशन सिर्फ चाइना में भी MI 12 मिला है और कहीं नहीं भी देखने को मिला है अभी, तो जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। रेडमी नोट 9 रिलीज कर दिया गया है इंडिया में भी, ग्लोबल में भी, और यूरोप, इंडोनेशिया, रशिया में रिलीज कर चुके हैं ये। Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8T, Mi Mix 3 Redmi Note 9 Pro के लिए रिलीज कर दिया गया इंडिया में। 8 Pro के लिए गाइज नया अपडेट आ चुका है, 12.0.2.0 आपको मिल ही चुका होगा। Redmi Note 8 के लिए गाइज बहुत मिड अक्टूबर से भी ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी अपडेट देखने को नहीं मिला है, लेकिन कुछ वेट करिए, शायद नवंबर में आपको स्टार्टिंग ऑफ वीक मैं आपको मिल सकता है MI 12 का अपडेट। Redmi Note 8T में गाइस बात हो रही है, बस जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। Mi 8 Pro, Mi 8 Lite, Mi 8 Explorer Edition देख सकते हैं गाइस रिलीज हो चुका है Mi 8 में, और Mi 8 Pro में रिलीज कर दिया गया है चाइना के अंदर। Redmi 8A, Poco F2 Pro, Poco Phone या Poco F1, Mi Note 10 Pro जैसा कि आप देख सकते हो Redmi 8A में कमिंग सून दिखा रहा है, चाहे वो चाइना हो, ग्लोबल हो, इंडिया हो, यूरोप हो या रशिया हो। Poco F2 Pro में गाइस देख सकते हैं रिलीज हो चुका है ग्लोबली, इंडिया में भी कुछ नहीं आया है, तो जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। Poco F1 में गाइस ग्लोबल में वाइडर रोल आउट हुआ है, लेकिन इंडिया में कुछ देखने को अभी नहीं मिला है। Redmi Note 7, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 9, Redmi 8 गाइस देख सकते हैं Redmi Note 7 में सिर्फ इंडिया में रिलीज किया गया है और चाइना में, यूरोप में स्टेबल बीटा रिलीज किया है, इंडोनेशिया भी कोई अपडेट नहीं दी गई है। Redmi Note 6 Pro में गाइस अभी कोई अपडेट नहीं इंडिया के लिए। Redmi Note 5 के लिए गाइस देख सकते हैं कमिंग सून दिखा रहा है ग्लोबल, और इंडिया में अभी कोई डेट अलॉट नहीं हुई है। Redmi 8A में भी न्यूज मैंने आपको बताई दी कि 2020 के अंत तक आपको मिल सकती है MI 12 की अपडेट। Redmi Note 9 Pro Max के लिए गाइस रिलीज कर दिया गया पार्शियली, आपको मिल ही चुका होगा। Redmi 8A Pro, Redmi 7, 7A 6 देख सकते हैं गाइस 7 के लिए 2020 के अंत तक डेट दी गई है। Redmi 7A के लिए और 6 के लिए कमिंग सून दिखा रहा है। Redmi 6A 6 Pro, Redmi S2 Y2, Mi 10 Lite 5G, Redmi 10X 5G जैसा कि आप देख सकते हैं Redmi 6A में अभी कोई अपडेट नहीं आई है। Redmi 6 Pro में गाइस इंडिया में रिलीज हो चुकी है, S2 Y2 के लिए गाइस रिलीज हो चुकी है इंडिया के लिए, Mi 10 Lite 5G के लिए अभी नॉट अलॉटेड है, सिर्फ ग्लोबली रिलीज हुई है। Mi CC 9 Pro रिलीज किया गया चाइना में, Mi Mix 3 5G और Mi 9 SE के लिए देख सकते हैं आप रिलीज किया गया चाइना और ग्लोबल में। Poco X2 के रोल आउट रिज्यूम कर दिया गया है।
रेडमी नोट 7 प्रो वाइडर रोल आउट हो चुका है इंडिया के लिए। मी नोट 3 ग्लोबली रिलीज हुआ है खाली और चाइना में रिलीज हुआ है। रेडमी नोट 9S के लिए गाइस देख सकते हैं आप, ग्लोबली अक्टूबर में देखने को मिलेगा, देखते हैं एंड ऑफ अक्टूबर तक मिल जाएगा। मी CC9 में गाइस चाइना में रिलीज हुआ है खाली, और आप देख सकते हैं मी CC9 म्यूटो एडिशन स्टेबल बीटा रिलीज हुआ है, भी कोई रिलीज और उसके अलावा नहीं हुआ है। मी मिक्स 2 के लिए सिर्फ चाइना और ग्लोबली एमआईटोल का अपडेट आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं पोको M2 प्रो में इंडिया का रिलीज हुआ है। रेडमी नोट 9 प्रो ग्लोबल के लिए 20 अक्टूबर दिखा रहा था, लेकिन अभी तक कोई अपडेट देखने को नहीं मिली है। रेडमी 9 प्राइम के लिए गाइज इंडिया में रिलीज किया गया था, लेकिन लिमिटेड रोल आउट के लिए, लेकिन आपको जल्द ही वाइडर रोल आउट देखने को मिल जाएगा। मी CC9 में सिर्फ चाइना में रिलीज हुआ है और कहीं नहीं। तो गाइज ये थी आज की न्यूज़, और आई होप आपको सभी न्यूज़ मिल गई होंगी टाइमली, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सारी न्यूज़ से वाकिफ रहिएगा, लेटेस्ट न्यूज़ से सारी न्यूज़ इस पर कवर हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिस्टर राज सिंह 111 सपोर्ट अस।